आंदोलन को लेकर आज इसी पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से हम सीधी बातचीत करेंगे। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ वो होंगे और हर सवालों का जवाब उनसे हम लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां इस महापंचायत को सफल बनाने को लेकर, क्योंकि जो मासिक बैठक किसानों की हुई उसमें नरेश टिकैत ने आह्वान किया है कि जो महापंचायत होने जा रही है मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को, उसको सफल बनाएं। तो किस तरह की तैयारियां इस महापंचायत को सफल बनाने को लेकर चल रही हैं, आज इसी पर हम बातचीत नरेश टिकैत के साथ करेंगे। और साथ ही जो उन्होंने संजीव बालियान को लेकर बयान दिया उस पर भी हम बातचीत उनसे करेंगे, क्योंकि साफ शब्दों में चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने संजीव बालियान के लिए कहा है कि इस पूरे प्रकरण को जल्द से जल्द सुलझाएं, क्योंकि लगातार विरोध, क्योंकि केंद्रीय नेताओं का हम बात करें, बीजेपी नेताओं का बात करें, लगातार किसानों की ओर से किया भी जा रहा है। और भाकियों के अध्यक्ष नरेश टिकैत हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। नरेश टिकैत जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। नरेश टिकैत जी, क्या कुछ रणनीति बनी है जो मासिक बैठक हुई है मुजफ्फरनगर में महापंचायत आप लोगों की होने जा रही है, क्या और तैयारी है? तैयारी तो 5 तारीख को पंचायत की तैयारी है, काफी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है और बहुत बड़ी पंचायत होगी, बहुत इसमें लाखों किसान आ जाएंगे, गांव गांव में जिले जिलों में प्रचार हो रहा जी, जगह जगह से अच्छी खबर मिल रही है, हम भी खाने का भी इंतजाम ले तो पूरे दल बल के साथ में पंचायत को सफल बनाऊंगा जी। किसानों को किस तरह का और निर्देश आपकी ओर से दिया गया है और किस स्तर पर और आगे अपनी तैयारी को ले जाने का प्लान आप लोग कर रहे हैं? ठीक है साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है साहब, आवाज आ रही है आपको? अब आवाज आ गई जी। जी जी नरेश टिकैत जी, मेरा सवाल ये था कि और आगे जो आपका आंदोलन है उसको बढ़ाने के लिए और क्या क्या तैयारियां, क्या रणनीतियां आप लोगों की ओर से बनाई जा रही हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं महापंचायतें किसान कर रहे हैं, आंदोलन को और आगे बढ़ाया जा रहा है, केंद्रीय नेताओं का घेराव किया जा रहा है, बीजेपी नेताओं का घेराव किया जा रहा है, तो और क्या तैयारी अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों की ओर से की जा रही है और किस स्तर तक इस आंदोलन को आप ले जाना चाहते हैं? और लाखों किसान वहां बोल रूप में पड़े, तो इससे बड़ा और हमारे पर क्या वो दस्तावेज दर्शाना चाह रहे हैं? सरकार की जिम्मेदारी है भाई इस तरह की, तू इन्होंने नौबत आना फैसला क्यों नहीं कर रहे? किसानों की जो दिक्कत है, किसानों की समस्या है, उसका समाधान क्यों नहीं कर रहे? तो ऐसी थोड़ा ही बात है भाई, किसान वहां से उठिया होगा, किसानों को इन्हें थाना जबरदस्त उठा दो, वहां से लाठी गोली चला के उठवा दे, किसान वैसे नहीं उठने का, किसान अपने खर्चे थे वहां से अरबों रुपए का खर्चा किसानों का हो दिया, सरकार कुछ भी सुन नहीं रही, तो यह जिम्मेदारी तो सरकार की है। ठीक है साहब, इतने महीने हो गए आंदोलन को और इतने दौर की वार्ता भी सरकार के साथ हो गई, क्या इस पूरी वार्ता में और इतने महीनों में किसानों के और केंद्र के बीच में कोई एक ऐसा बिंदु नजर नहीं आया जिस पर सहमति बन पाए? बहुत मद्दा मजाक कर रहे, इस तरह का हमें उम्मीद नहीं थी, इस तरह से हमने सरकार बनाए तो उनमें सहयोग करा और अपनी वोट दी, सबके वोट दुआई, तो किसानों के साथ में इतना भद्दा मजाक इन्होंने कर रखा, तो ये अच्छी बात नहीं है, किसान इस बात को नहीं भूलने के, हाँ किसान नहीं भूल पाने के इस बात को जी। ठीक है साहब, उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, सरकार को घेरने की तैयारी आप लोग बना रहे हैं? नहीं, हम कहां की तैयारी कर रहे हैं घेरने की, हम तो अपने आंदोलन से फुर्सत सरकार की, तो हम कहा सरकार को घेर रहे, हम तो अपनी बात तो कह रहे हैं, हम कोई प्रचार कर रहे हो किसी से इस सरकार के खिलाफ, हम तो यही कह रहे हैं सरकार सुन नहीं रही हमारी, हमने सरकार बनाई, जो कोई भी सरकार रही है अच्छी को आ गई, अच्छा उन्होंने किसानों के साथ मुआवजा करी, समस्याओं का समाधान किया, इस सरकार में बिल्कुल अनदेखी हो रही है किसान, तो इसे घेरना मान लो या कुछ भी मान लो या सरकार का विरोध मान लो, कुछ भी हो मान लो, तो सरकार सुन नहीं रही है। ठीक है साहब, जो पार्टी किसानों का साथ देगी क्या किसान भी उसी के साथ हैं? जो सरकार किसानों का साथ देगी सरकार भी किसान भी उसी के साथ रहेंगे? नहीं, किसानों को तो राइट है, पहले बिना कहूं
इस सरकार का साथ दिया हमने, 300 वोट दी, और आज केंद्र में भी प्रदेशों में भी कई स्टेटों में इनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो किसानों की ताकत भी रही। किसानों के बारे में बता दू, किसानों के लिए हमने ये काम करा, कोई भी किसान इनका खुश हो, चलो हो सके कोई व्यक्तिगत खुश हो जाता हो, जो सच्चा किसान है सही वो कर रहा बात, वो किसान खुश नहीं है। आज किसान बारूद के ढेर पे है, बिल्कुल बर्बाद होने के प्रकार से किसान उड़ा दिया, इस तरह की गलत बातें हैं, इस तरह की नहीं करनी चाहते, किसानों से कहेगा बदला ले रहे। अभी कौन कौन से राजनीतिक दलों का समर्थन आप लोग को मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जितने भी दल है सब सब इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहे, पूरे जितने भी भारत में जितने भी दल है किसानों के साथ कौन कौन है? नहीं यार तो ये बताओ कौन नहीं है किसान के साथ में? किसान के साथ में कौन नहीं है मैं आपको बताऊं, किसान के साथ में सब हो रहे, हमें तो सब भाजपा लोकदल सपा बसपा सब लोग कह रहे, ये भाजपा भी छोड़ गए सब लोग कह रहे कहने भाई हमारा भी सहयोग आप लोगों को है, पर हम नहीं कहते, हम तो लोग है भाई बात करो किसान की समस्याओं का समाधान करो, इलेक्शन है जिन किसी को जो अच्छी सरकार पार्टी लगे तो उसको अपनी वोट दे, हमें तो किसी का कोई दबाव नहीं ना, हम कोई यहाँ से वोट मांग रहे ना यहाँ से इलेक्शन होगा जी। ठीक है साहब जी, ठीक है साहब, केंद्र सरकार ये कह रही है या फिर बीजेपी के नेता ही कहते हैं कि जो लोग अब इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, वही पहले इनको लाने का विचार भी कर रहे थे, और आज विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान इसके विरोध में खड़े हुए हैं। अजी हमने कह रहा है का पता, कौन इसका विरोध कर रहा, कौन पार्टी कौन इसका समर्थन कर रहे, किसान है किसान विरोध कर रहा। सर इतने महीनों में आपको ये तो पता लग गया होगा ना कि कौन समर्थन में है, कौन विरोध में है, और कौन आपके साथ है, कौन सरकार की खिलाफत कर रहा है। नहीं सब कह तो रहे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सब इसके विरोध में है जी, सब पार्टी इसके विरोध में, सब जितने भी संगठन है की बात कर रहे हैं, और इन कानूनों के बाद किसानों का भला होगा, किसानों को फायदा होगा, और ये पैरेलल व्यवस्था है, अगर आप इसको अपनाना नहीं चाहते हैं, कोई किसान इस व्यवस्था के तहत अपने फसल को नहीं बेचना चाहता है तो ना बेचे, पहले की परंपरा जो है उसको अपनाए। तो सर ये कहां खरीद रहे हैं भैया, 1975 रुपए का रेट उसका है क्या होगा जी, और 1600 रुपए क्विंटल भी है तो 375 रुपए का जो क्विंटल पे किसानों को, ये सरकार की जिम्मेदारी है खरीद रहे भी, ये भी कहां चली गई, वही सरकार है, वही वही अनाज है, वही सब कुछ है, क्यों नहीं खरीद रही, 375 रुपए का क्यों नुकसान है किसान को, ये तो मोटी बात है जी। अगर जो जो, जो सरकार का एक बोल दिया घोषित हो रहा, सरकारी रेट घोषित हो रहा है तो खरीद लो सर, ये 1600 होगी क्या, ये तो मौका तो देख रहा आप लोगों को सब है नहीं हो रहा जी, कितना गेहूँ खरीद रहे उन्होंने 12-13% गेहूँ खरीदते अपने वाहवाही को उतना चाह रहे, आज किसान इतना भोला भाला नहीं रह रहा, अब ये बर्बादी की तरफ धकेल दे, और ये किसान अपनी बात भी ना कहे, ये अपने मन से निकाल दो इस तरह की बात, इसलिए आदमी अपने नुकसान रखे की सब जान दे, किसान और मजदूर इन्होंने बर्बाद कर दिया इस पार्टी ने, इस पार्टी की नीति ने, हम फिर भी एक ऐसा समय रहते हैं चेत जा, और किसानों की भलाई की सोचने बाद गन्ने का रेट है 5 साल हो जाए कुछ बजा, बिजली का रेट इतना आसमान छू जाए क्या करा, तो ये तो 3-4 समस्या कहीं कहीं आलू का किसान है वो आत्महत्या कर जा तो क्या करे, इनके इनके सामने अपनी आवाज भी ना उठावे, हम लोग कह रहे हैं इनके सामने अपनी आवाज भी ना उठावे, क्या अपनी आवाज जो अपनी दिक्कत है जो हमें समस्या है भी ना उठावे, ये तो बिल्कुल एक तानाशाही रवैया है, इनका इन्होंने अपनाया जाए कोई भी कोई होता है। ठीक है साहब, इतने महीने हो गए हैं इस आंदोलन को, सरकार का सही है वापस कानूनों को नहीं लेना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं कि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, क्या किसान इस बात को नहीं कहते हैं आपसे कि अब इतना समय हो गया कब तक ये आंदोलन चलेगा, सरकार तो मान नहीं रही है, क्या हम ही मान जाएं, या कोई अभी का संकल्प आ जाए जिससे सरकार की बात आ जाए और आप ऊपर माना जाए, आंदोलन को तो किसान आ रहे जो किसान इतनी बड़ी आप में कैसा बैठे हुए हैं बॉर्डर अलग जो आंदोलन स्थलों पर लोगों की रोजी रोटी कैसे बार चल पा रहा है उनका, ये कैसे उसको मैनेज करें, क्या होगा किसानों को
आखिर क्यों इन कानूनों को लागू नहीं होना होने देना चाहते हैं आप लोग, और इन कानूनों से दिक्कत क्या है? क्योंकि अभी तक जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है और जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि किसानों को ये नहीं पता कि इन कानूनों में क्या है, किसान ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर इन कानूनों से दिक्कत क्या होगी, कैसे उनका भविष्य अंत में जाएगा, फिर इनका विरोध आखिर क्यों हो रहा है? साहब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो कृषि सुधार हो रहे हैं वो छोटे किसानों की भलाई के लिए हो रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हो रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या इस पर आपका आपकी टिप्पणी होगी? एक है प्रधानमंत्री जी ने जो सही बात है, किसान इसकी बात करे, ये किसान है, इन्होंने छोटे किसान को बर्बाद कर दिल बड़े असल बाबू मत हाथ मारने को तो देखो जो बाबू की हालत है, किस तरह की हालत हो रही, किसानों की साथ बातचीत करे, किसानों की दिक्कत का पता लगे, किसान बतावे पर हमें यह दिक्कत है, इस तरह से इसका सुधार हो सके जी। तो बात तो हो जाए, ये तो वहां से दिल्ली में बैठते हुए ठीक है। 2022 का चुनाव नजदीक है टिकैत साहब, आप लोगों का क्या स्टैंड चुनाव, और साथ ही क्योंकि राकेश टिकैत साहब को आया था कि जैसे बंगाल में बीजेपी को हराया और ऐसे उत्तर प्रदेश में भी हरा गए, जो हमारे किसानों के लिए तलवार ठाव खड़े जी, तो हम उनके लिए माड़ा माड़ा तैयार रखेंगे, तो हम इनको माड़ा करेंगे, ये तलवार तो हमारा सिर का इनके मुद्दे होंगे, चल गई हो कहीं रात चली गई होगी, वहां चली होगी, यहाँ इस तरह ये अपने मन से निकाल दो बातचीत जी। आज किसान अपने सुख की अपने भलाई की और बुराई की सब जान। संजीव बाई लेकर आपने एक बयान दिया हाल ही में, क्या कुछ उसको लेकर आप कहेंगे, क्या वो हिदायत है उनके लिए और क्या चेतावनी है? भाई संजीव बालियान जी हमारी बालियान खास से जी एक सदस्य है और हमें उधर राइट है उन्हें कहने का, हमने उधर कहा भाई यह तो एक फैसला है जमीन का, नहीं तो अपना दिल्ली का मकान है सारा वार हो जी। वो साल हमारे पर कहना बीच में भूल गया, हम दिल्ली का कहना भूल गया, उसने कहा था मुझे फटाफट पर पैर ना रखे उसने, वो उसमें करोड़ मरोड़ का पेश करने जा रहा, हमारा कोई उद्देश्य नहीं ऐसा किसी को कहीं रोकने का, हमने तो मुझे दिल्ली में मकान है उसमें वार हो और जो फैसला होगा जी यहाँ दिया मुझे फटाफट पर। ठीक है, 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत आप लोगों की होने जा रही है, क्या और धार देने की कोशिश इस महापंचायत के जरिए आंदोलन को होगी और ये 22 तक जाएगी? तो नजदीक आ रहे 4-5 महीने में चुनाव, तो कुछ ना कुछ तो फर्क जी बाकी कई लोग विरोध प्रदर्शन हो रहा, तो अनक्षण को तो क्या अनक्षण तो बिगड़ा। चलिए बहुत शुक्रिया नरेश टिकैत साहब, आप हमारे जुड़े तो भारतीय किसान रहे थे, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत और 7-5 को जो महापंचायत मुजफ्फरनगर में होने जा रही है को और की जाएगी और जवाब देते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।